हर रोज सुबह होती है, हर रोज क्लॉक की सुई अपनी रफ्तार से चलते हुए अपना वक्त का सर्कल पूरा करती, खुद को आईने में देखता हूं तो हर दिन की तरह खुद से एक सवाल करता हूं कि क्या अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया, जो काम वो हमसे लेना चाहते थे, हम उस मकसद को हासिल करने में कामयाब हुए? ये सवाल हमेशा मेरे जहन पर सवार रहता है। सोच रहा था वक्त तेजी से गुजर गया। अभी 2006 की तो बात थी जब सईद कुरैशी साहब ने अपने वार्ड सर्जिकल वार्ड 4 में मेरे साथ और हमारे कुछ जूनियर्स के साथ मिलकर एक एडवांस एंडोस्कोपी का प्रोग्राम शुरू किया। 2006 में सर्जिकल यूनिट 4 में एक एंडोस्कोपी यूनिट बनाया गया। उससे पहले 1970 की दिहाई में यहाँ पे एंडोस्कोपी सिविल हॉस्पिटल में पहली बार शुरू हुई थी, लेकिन उस वक्त जो स्टैंडर्ड ऑफ स्कोप्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे, और बाद में वहीं पे मेडिकल यूनिट 4 और 5 इनमें ओलंपस का इंस्ट्रूमेंटेशन खरीदा गया था, जो पुराना फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंटेशन था, और वहाँ इम्प्रूव फैसिलिटी की गई थी, और वो फैसिलिटी जो थी सारी सिविल हॉस्पिटल का जो काम था वहाँ पर होता था। अल्लाह के हुक्म से, मुखय्यर हजरात की मदद से और हुकूमत सिंध की मदद से 2006 अक्टूबर में सिविल हस्पताल में एंडोस्कोपी के लिए एक एडवांस यूनिट की सहूलत दस्तियाब हो गई। उससे पहले ये सहूलत किसी भी हस्पताल में मैसर ना थी। ये प्रोसीजर महंगे होते हैं और आम आदमी की दस्तरस से बाहर। आज ये न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बिजी एंडोस्कोपी फैसिलिटी में है, जहां पाकिस्तान भर से लोग आकर अपना इलाज करवाते हैं और शिफायाब होकर घर लौट जाते हैं। उस वक्त इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने पाकिस्तान में एंडोस्कोपी की एक्सपर्टीज की कमी को दूर करने के लिए यहां पर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का भी एहतमाम किया, जहां वो एडवांस एंडोस्कोपी की जदीद तरबियत लेकर पाकिस्तान भर में अपनी खिदमात फराहम कर सके। एक वक्त पे सर्जिकल यूनिट 4 का जो फैसिलिटी थी वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वहां पे एंडोस्कोपी का होता था। उसके बाद ज़रूरत देखी गई कि इसको अभी और बढ़ाने की ज़रूरत है, और तो साथ में आज साथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2019 में एक बार फिर हम इस मिशन के लिए कमर बस्ता हुए और एक दफा फिर मुखय्यर हजरात और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस काम के लिए लबैक कहा। इस तरह पाकिस्तान के सबसे पहले और जदीद तरीन इदारे सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के क्याम का आगाज हुआ। Dr. Saad Niaz, who started this endoscopy department in our ward, in Surgical 4, he got this idea of accreditation. So we started working on it. Initially, we thought we could expand Surgical Unit 4 on that place only, but because of the restraint of space, we had to ask the Sindh government for additional space in Civil Hospital, Karachi. सबसे पहले हमें इसके लिए जगह दरकार थी, जिसके लिए सिविल अस्पताल के दो पुराने और नॉन फंक्शनल वार्ड्स का इंतखाब किया गया। ये वार्ड सिविल अस्पताल की सबसे पुरानी 1890 की बिल्डिंग में मौजूद थे। बहुत अरसे से बंद इन वार्ड्स को देखने के बाद ये एहसास हुआ कि इनको ठीक करना इंतहाई मुश्किल काम था। इसके लिए हमें किसी प्रॉपर आर्किटेक्ट की ज़रूरत थी, तो हमारी नज़र इंतखाब शाहिद अब्दुल्ला साहब की तरफ हुई, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और इस मुल्क के एक मायानाज आर्किटेक्ट हैं, खुसूसन पुरानी इमारत को रिस्टोर करने में। बहुत एक तवील जर्नी थी इसकी। ये 1890
में बनी थी, तो हमने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो ये मालूम हुआ कि इसकी दीवारें जो हैं वो बाहर की तरफ गिर रही हैं। तो बहुत ही परेशानी हुई कि अब इसको क्या कर सकते हैं। ऊपर छत पे पानी जमा होता था, कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए कि पुरानी बिल्डिंग है, वो कोई इसमें ओनरशिप नहीं थी किसी की। तो वो पानी सीप कर करके वो छत में गया, छत बहुत भारी हो गई और उसका वजन दीवारों पे था, तो ये दीवारें ही होनी शुरू हो गई। सारी दीवारें हमने डिसमेंटल की और फिर उनको रीइंफोर्स किया और उनको सीधा करके फिर लगाया। ये उसमें हमारा बहुत टाइम ज़ाया हो गया, मगर वो टाइम यूज़फुल ज़ाया हुआ, इसलिए कि अब ये तैयार हो गई। एक और इंशाल्लाह 100 साल नहीं तो 50 साल तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होना है इसको। तो हर चीज़ की पायदारी, इसकी फ्लोरिंग थी वो हमने देखा कि ऐसा हम फर्श बनाएं कि ये इस्तेमाल से और अच्छा हो जाए। हमने शायद अब्दुल्ला साहब से ये रिक्वेस्ट की कि हम इस वार्ड की जो असली हालत है उसको बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये हेरिटेज बिल्डिंग है और उसी के साथ साथ एक इसमें जदीद एंडोस्कोपी की फैसिलिटी भी बनाना चाहते हैं, जहां मरीज और लवाहिकीन जब आएं तो उनको ये एहसास ना हो कि वो किसी फलाही इदारे में आएं, बल्कि उनको ये एहसास हो कि वो किसी प्लेजेंट और फ्रेंडली माहौल में आ गए हैं। यानी हम एक सरकारी हस्पताल के जहनों में तसव्वुर को यकसर तब्दील कर देना चाहते थे। अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो लोग वैसे ही, जो बाकी पहले कभी गए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो यहाँ आके जो एक उनमें एनर्जी आएगी वो आधे तो वैसे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, मगर जो एक वैल्यू देगा ये एक पेशेंट को और उसकी बीमारी को, कि एक तो आदमी पॉजिटिव थिंकिंग होनी शुरू हो जाती है कि यार अगर इतना अच्छा है तो ये पूरा जो एक्सरसाइज जिससे ये मुझे लेके जा रहे हैं ये भी इसी लेवल की होगी जितनी हमने मेहनत की है इस पर, बल्कि जो हमें विरसे में मिला है इसको वो तो आज बन भी नहीं सकता। जो भी आप देख रहे हैं पीछे या मेरी सराउंडिंग्स में, ये आप आज नहीं बना सकते, ये नापैद हैं चीज़ें। और एक जो इम्प्रेशन है सिविल हॉस्पिटल का पूरे शहर में या पूरे मुल्क में कि जी ये तो बहुत ही गवर्नमेंट का बहुत सड़वा हॉस्पिटल है, वो बहुत अच्छी तरह ये चेंज होगा कि जी अब सिविल हॉस्पिटल वो नहीं है। इसके बाद का मरहला हमें अपने इक्विपमेंट की ख़रीदारी और उसको अपडेट करने का था, जिसमें सबसे अहम मशीन लिथोट्रिप्सी की तंसीब थी, जिसको ESWL कहते हैं। ये मशीन इंतहाई महंगी और जदीद है, जिसके ज़रिए लुबलुबे की नाली में पथरी का इलाज किया जाता है। ये मशीन इस पूरे रीजन में या तो भारत में है या अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमारे इस इंस्टीट्यूट में लगाई गई है। और याद रहे, ये सहूलत किसी प्राइवेट हस्पताल में भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इंस्टीट्यूट में हमने जहां बेहतरीन मशीनें नस्ब की हैं, उसी के साथ साथ हमने यहां पे एंडोस्कोपी के सामान को साइंटिफिकली स्टेरिलाइज करने का जदीद इंतजाम भी किया है, जो कि बैन अल-अक्वामी मेयार के एन मुताबिक है। अब हमें यहां एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत थी कि कोई मरीज यहाँ आकर कम से कम वक्त में एक मुनज़्ज़म अंदाज में इत्मीनान के साथ अपना इलाज करा सके। सबसे पहले पेशेंट हम यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी लैब्स, इन्वेस्टिगेशन सारी लेकर आते हैं। हमारे डॉक्टर साहब उनको एसेस करते हैं, उनको देखने के बाद यहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। उनको एक टाइम फ्रेम बना के दिया जाता है, जो एक पेपर की सूरत में उनको इशू किया जाता है, जिस पर उनके डेज के हवाले से डेज उनकी डेट, किस डेट पे आपने कौन से टेस्ट करवाने हैं, आपने किस डेट पे आपने एनपी होना है, किस डेट पे और किस टाइम पे आपने आके यहाँ पे हमारे रिसेप्शन पे अपने पेशेंट को इन्फॉर्म करना है।
जब पेशेंट प्रोसीजर होने के बाद रिकवरी में पेशेंट चला जाता है, रिकवरी में 30 मिनट्स, 1 आवर, जितने उसको डोज दी होगी एनेस्थेटिक ने उसके मुताबिक, उसको जब रिकवर हो जाता है, रिकवर होने के बाद यहाँ से पेशेंट प्रोसीजर काउंसलिंग एरिया में जाता है, वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम मौजूद होती है, वहाँ पे पेशेंट को और उसके अटेंडेंट को वहाँ पे बुला के ब्रीफ केस उसको डिस्कस किया जाता है कि आपका ये हमने प्रोसीजर किया, आपको ये उनकी रिपोर्ट इशू की जाती है, उनके डॉक्यूमेंटेशन उनको हैंड ओवर किए जाते हैं, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करने के बाद उनको एक डिस्चार्ज पेपर पे उनसे कंसर्न साइन करा के, डिस्चार्ज पेपर साइन करा के हम पेशेंट को वहाँ से शिफ्ट करवा देते हैं। अक्सर देखा ये जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स में जब आप जाते हो, यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, यू हैव गॉट लिमिटेड फंड्स, और स्टैंडर्ड ऑफ केयर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट। दैट इज़ द रीज़न पीपल वुड ऑप्ट टू गो इन प्राइवेट। लेकिन इस इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्टैंडर्ड ऑफ केयर इज सेम एज और इवन बेटर देन प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स। तो एक गरीब आदमी को जस्ट बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड, ये उसको वो डिनाई नहीं सर्विसेज की जाएंगी। So and at the end of the day, as physicians and doctors, I think हमें और क्या चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि हमारे patients को standard of care मिले और आपको रात की नींद अच्छी आए कि आपने अपने मरीज को proper care दी है, proper treatment की है और कहीं पर भी negligence और error के chances कम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खालिद हसन है। आई वर्क एट सेंटर फॉर इंटरवेंशनल एंडोस्कोपी ऑरलैंडो फ्लोरिडा। आई नो दैट डॉक्टर सईद कुरैशी, डॉक्टर साद नियाज, दे हैव बीन सर्विंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान, सर्विंग द पेशेंट्स देयर फॉर डेकेड्स। दे हैव बीन डूइंग टीचिंग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स फॉर मेनी मेनी ईयर्स। First of all, I want to thank Dr. Saad Niaz and Dr. Saeed Qureshi for giving me an opportunity to say a few words at this occasion. Even though I'm a bit sad that I could not be there in person, but I am really, really excited about this dream finally becoming a reality, and there is an opening ceremony for SIAG. हम रब्बे करीम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने मुझे और इस कार्य खैर में हिस्सा लेने वाले हर फर्द को इस अजीम मकसद के लिए चुना। यकीनन हमारी मेहनत और कोशिश का बारावर होना उसकी मर्जी और मदद के बग़ैर मुमकिन नहीं था। यहाँ आने वाले हर मरीज़ को इज़्ज़त और मियारी इलाज दोनों हासिल हों, जिससे हमारे दिल को इत्मीनान और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ सके। इसीलिए हमने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का मोटिव यही रखा है, इज्जत के साथ मेयारी इलाज। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, इज्जत के साथ मेयारी इलाज।